सो स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. अभी हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं. सो अभी हमने ये देखा कि हमारे कॉइन्स हैं और नोट्स हैं, ठीक है. अब उन कॉइन्स और नोट्स से हम कैसे बाहर जाके कुछ चीज़ परचेज कर सकते हैं, मतलब कैसे खरीद सकते हैं, है ना. तो सपोज अब आपके पास आपको ये एक आइसक्रीम लेनी है, ओके. अभी हम सिर्फ कॉइन से शॉपिंग कर रहे हैं, अभी जो है हम कॉइन्स शॉपिंग कर रहे हैं, नॉट विद द नोट्स, ओके. और ये 3 रुपीस की है, ये 3 रुपीस की है, ओके. तो आप कौन से 2 कॉइन्स अंकल को दोगे शॉपकीपर को? अब 3 का कॉइन नहीं होता है, ठीक है. तो आपके पास आप 3 कैसे दोगे? 2+1, आपके पास 1 का भी कॉइन होता है और 2 का भी कॉइन होता है, राइट. सो इस तरीके से आप उनको 3 रुपीस दे सकते हो. नाउ सपोज दिस इज अ टॉफी, ओके, एंड इसकी वैल्यू क्या है? 2 रुपीस. अब आप कौन से 2 कॉइन्स दे सकते हो? आपके पास 2 कॉइन्स बहुत सारे हैं, 10 रुपीस का भी है, 5 रुपीस का भी है, 2 रुपीस का है, 1 रुपी का है. तो आप उनको कौन से दे सकते हो? तो अगर आपके पास 2 रुपी का कॉइन है तो आप 2 का भी दे सकते हो, है ना. और अगर आपके पास 2 का नहीं है और आपके पास 1 के 2 कॉइन्स हैं तो आप इनको 1+1 के देके भी 2 टॉफीज परचेज कर सकते हो, राइट. सो और देखते हैं, और हम कौन से सपोज अब हम कुछ और चीज़ खरीदते हैं. नाउ दिस इज अ टॉय, ये एक बॉल है, ठीक है. नाउ दिस इसकी वैल्यू है 4 रुपीज. हमारे पास 4 का कॉइन तो नहीं होता है, है ना. अब आपने अपने जो आपका कॉइन का हमेशा एक बॉक्स होता है ना घर पे पड़ा होता है, तो आपको 4 रुपीज इकट्ठे करने हैं. तो आप कौन से कॉइन्स ले सकते हो? आप 3+1 भी नहीं ले सकते हो बिकॉज 3 का कॉइन नहीं होता, है ना. या तो आप 1 के 4 कॉइन्स ले सकते हो, है ना. या आप क्या कर सकते हो, 2+2, 2 रुपये के भी 2 कॉइन्स ले सकते हो. ये सिंपल काइंड कोई सिंपल एडिशन है बेटा जो हमने करी हुई है. अब हम आपको एडिशन नहीं, आप मुझे पता है इतना आप अपने आप सीख सकते हो कि 4 को हम कैसे ला सकते हैं. 2+2 को ऐड करके 4 बनता है, तो 2 कॉइन्स हमने ऐसे ले लिए. तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं बेटा आपके इस पेज पे, पेज नंबर 145, है ना. सो हम सिर्फ अब इसी की बात कर रहे हैं, ओके, कि यहाँ पे 20 रुपी का टॉय है. तो 20 रुपी का टॉय के लिए आपको कौन से कॉइन्स चाहिए हो सकते हैं, है ना. 2 कॉइन्स, अगर इन्होंने यहाँ पे 2 कॉइन्स की जगह बनाई है कि मतलब आपको 2 ही कॉइन्स देने हैं, तो 20 रुपीस के कॉइन के लिए आप उनको 10+10 के 2 कॉइन्स दे सकते हैं, राइट. 10 एंड 10. अब यहाँ पे एक बलून है, इसकी क्या वैल्यू है? 6 रुपीज़, है ना. तो 6 का है, तो आपके पास अब आप इसको कैसे कर सकते हो? एक 5 का दे सकते हो और एक 1 का. 5+1=6, ठीक है. सो अब आगे वाले एग्जांपल्स आप करोगे बिकॉज मोस्टली नीचे वाले मैंने करवा ही दिए बेटा. टॉफ़ी 2 रुपीज़ की है, ये हमने कर लिया है. Anna, this ball is of 4 rupees and then ice cream is of 3 rupees. Just take it. Let's finish this also. ये एक एरोप्लेन है जो एक 10 rupees का है, तो ये 2 कॉइन्स इसके लिए करने हैं. तो दिस इज़ 5+5, 5+5=10. तो इस तरीके से हमने ये कॉइन्स का करा कि हम 2 कॉइन्स से कैसे कोई चीज़ उनको ऐड करके खरीद सकते हैं, ओके. अब यहाँ पे आपके पास ये है मैच द फॉलोइंग, कि आपको देखना है कि ये ऐड करके, ये वाला जो हमने ऐड पिक्चर से करा था ये वाला आपने कॉइन्स से करना है. तो ये आप अपने आप करेंगे जो इस पेज में ऊपर वाला पार्ट है, कि कौन से 2 कॉइन्स को मिलके ये एक बड़ा कॉइन मिलेगा, ठीक है. सो नाउ These 2 pages are only the currency notes.
हमने अभी ये कॉइन्स को मिलाकर हमने ये करा, अगर हमने यही चीज करनी हो विद द हेल्प ऑफ नोट्स, अभी आपने क्या करना है कि मैं आपको दो चीजें दूंगी, ठीक है, उनकी वैल्यू बताऊंगी। यहाँ पे एक टॉय है, वो होता है ना टॉप लट्टू जिसे हम कहते हैं, इसकी वैल्यू है ₹5। और एक और टॉय है ना, दिस इज अ डकी, इसकी वैल्यू है ₹10। अब मुझे बताइए, अब ये दो टॉयज है, आप शॉप पे गए एंड यू वांट दीज टू टॉयज, एक की वैल्यू 5 है, एक की 10 है, तो आप टोटल मनी आपके कितने स्पेंड होंगे मार्केट में। ओके, सिंपल बेटा, आप इसको रुपीस से को देख के घबराना नहीं है, आपको पता है कि आपको दो वैल्यूज ऐड करनी है, 5 और 10। ओके, तो 10 मैंने हमेशा बोला है कि एक जो बड़ी फिगर होती है वो आप अपने माइंड में रखोगे, 10 इन माई माइंड एंड 5 ऑन माई फिंगर्स। ओके, तो हमने 10 के आगे कौन सा नंबर आता है वो हमने इन 5 फिंगर्स पे करना है, 11, 12, 13, 14, 15, सिंपल। तो टोटल कितने रुपीस हो गए, 15। तो आप अपनी पॉकेट में देखो कि अगर आपके पास 15 रुपीस हैं तो आप ये दोनों टॉयज खरीद सकते हो। आपको कितने टॉयज देने हैं, कितने रुपीस देने हैं शॉपकीपर को, 15। सिंपल एडिशन। चलो अब हम एक और करते हैं, रेस्ट आप खुद करोगे इसके एग्जांपल्स। ये एक टाइट है, इसकी कॉस्ट हमने दी है ₹3 एंड देन अ टेडी बेयर। ओके, and the cost of this teddy bear is ₹2। ये बेटा जो मैं यहाँ पे ये लिख रही हूँ ये रुपीस का साइन है। ओके, आप रुपीस ऐसे लिख सकते हो आर, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, हम हर एक कभी कभी किसी चीज का साइन होता है ना कि हम उसको छोटा करके लिखते हैं, तो ये जो मैं यहाँ से ये वाला साइन बना रही हूँ वो आप पहले जैसे हिंदी में आर होता है, र होता है, र रथ वाला, और उसके ऊपर ऐसे लाइन लगाती है। ओके, तो ये ऐसे हम रुपीस लिखते हैं, तो ये ₹2 है। तो हमें ये दोनों चीज़ें चाहिए, आपको, आप पापा को कह रहे हो मुझे काइट भी चाहिए एंड आई नीड दिस टेडी ऑल्सो, सो व्हाट यू विल डू, आप इन दोनों को ऐड करोगे, 3 + 2, 3 इन माई माइंड एंड 2 ऑन माई फिंगर्स, सो 3 के बाद क्या आता है, 4, 5। तो आपको कितने रुपीज आपके पास होने चाहिए, ₹5 टू गेट दीज टू थिंग्स, इन दो चीज़ों के लिए। ओके, सो इसमें बेटा हमने ये दो एग्जांपल्स कर लिए, रेस्ट ऑफ द टू आप इजीली अपने आप कर सकते हो। सो दिस इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर जस्ट टू गिव यू इंट्रोडक्शन अबाउट मनी, बट इसमें मैं यही पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूँगी कि आप डिफरेंट नोट्स एंड कॉइन्स घर पे भी अपने बच्चों को एक बार अपनी प्रेजेंस में उन्हें दिखाइए एंड जस्ट प्ले अ रोल प्ले विद देम, जस्ट टेल देम कि हम शॉपकीपर के पास गए हैं तो आपको ये चीज़ खरीदने के लिए कितने कॉइन्स देने पड़ेंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू।